नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान में बीजेपी के अध्यक्ष शिवाजी तिवारी की हत्या के बाद से बीजेपी पूरी तरीके से आक्रोशित है और सीधे तौर पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब इससे बड़ा जंगल राज कौन सा कहा जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रामनगर में किस तरीके से बीजेपी नेताओं की भीड़ है, जहां शिवाजी की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि सोमवार की रात्रि में जब अपने दुकान को बंद करके अपने साले प्रदीप पांडे के साथ घर वापस आ रहे थे, इसी दौरान अपाची सवार बदमाशों ने दनादन फायरिंग करते हुए गोली मार दी और मौके पर ही शिवाजी तिवारी की मौत हो गई और उनके साथ उनके साले गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में उसी वक्त सिवान के सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। घटना की जानकारी के बाद सिवान के नगर के थानाध्यक्ष सुदर्शन राम भी अस्पताल में रात में ही पहुंच गए थे और उसके बाद मामले की तहकीकात करने के लिए घटना स्थल पर भी पहुंच गए। आपको बता दें कि सुदर्शन राम रात से ही सुबह तक बने हुए थे इस घटना की तहकीकात में, चाहे वो शिवाजी तिवारी का घर हो या फिर जिस जगह पर घटना हुई, शिवाजी की हत्या हुई वहाँ पर। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि सुदर्शन राम, जो कि नगर के थानाध्यक्ष हैं, ये पहुँचे हुए हैं और तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सुबह में ही जैसे ही जानकारी मिली वो शिवाजी तिवारी के घर पर पहुँच गए और मामले की जानकारी लेने लगे कि आखिरकार हत्या का कारण क्या रहा। हालांकि अभी तक मामले का खुलासा नहीं हो सका है कि हत्या किन कारणों से हुई है, लेकिन पुलिस बारीकी से पता लगाने में जुटी हुई है और शायद बहुत जल्द इसका खुलासा भी कर देगी। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष हमारे भाई शिवाजी तिवारी की हत्या हुई है और बहुत दुखद है और मैं कहना चाहता हूं, हमारे जिला के प्रशासन भी यहां पर मौजूद थे, अगर इस तरह हत्याएं होती रहीं सिवान में और एक ऐसे व्यक्ति की, काफ़ी सज्जन थे और अपना दुकान चला के जीविकोपार्जन करते थे, हम सभी ने सभी जिला जो प्रशासन है उनसे बात किया है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई और दोषी को पकड़ा नहीं गया तो इसके लिए हम लोग आगे भी आंदोलन करेंगे। कारण कुछ पता नहीं चला है कि क्यों हत्या किया, सिवान में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी, कोई कारण नहीं है, कारण है दहशत फैलाने का। अब शिवाजी तिवारी से क्या दुश्मनी थी, पार्टी का काम करते थे, अपने जीव को पार्जित करते, बाल बच्चों के साथ खुश रहा करते थे, किसी से दुश्मनी नहीं, उनकी हत्या का क्या कारण हो सकता है, तो कोई कारण नहीं है, इसे महाजंगल राज में कोई कारण नहीं है। और हम लोग तो काफ़ी दुखी हैं कि उनके पूरे परिवार में 1.5 महीने के अंदर 2-3 ऐसी घटनाएं हो गई, हम लोग पारिवारिक सदस्य थे, काफ़ी मरमाहत हैं, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिला प्रशासन को इसमें सचेत होकर कार्रवाई करनी होगी और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसके लिए आंदोलित होगा। 10-20 मिनट करें भैया के साले उनके साथ में अभी घायल हो गए थे, उनके कंपट्टी के पास से गोली निकला हुआ, घायल अवस्था में वो अपने मोबाइल से अपनी सिस्टर को फ़ोन किए, तो हल्ला गुल्ला सुन करके हम लोग दौड़े, दौड़ने के बाद भैया को अपने कार में लेकर के गए सदर हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर साहब जांच करने के बाद बोले पहले से कुछ बात नहीं, हमारे यहाँ दो भाभी लोग का निधन हो गया, उसके पहले मेरे पिता जी का निधन हो, दोनों व्यक्ति का ब्रह्म भोज आज की तारीख में, जिसकी तैयारी के विषय में हम लोग बैठ करके यहाँ बातचीत किए, उसके बाद ही शाम में दुकान पर अपने साले के साथ गए, यानी कि अपने पिताजी और भाभी के पिताजी का ब्रह्मभोज तो 12 तारीख को हो गया। उसके बाद 3 सितंबर को हमारी भैया की सहोदर जो भाभी है वो डेथ कर दी, फिर 8 तारीख में चचेरी भाभी वो भी डेथ कर, तो दोनों आदमी का क्रियाक्रम आज ही के डेट में हम लोग करना था, जिसकी तैयारी चल रही है।
किसी पे शक वगैरह? भैया का किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वहाँ कमला प्रेस के सामने किराना जनरल स्टोर का दुकान था। भैया हमारे 15 वर्षों से यहाँ के वार्ड के अध्यक्ष थे, भाजपा के। भाजपा हमारा परिवार जो है गांव में भी किसी से कहीं कोई पता नहीं कैसे किस ईर्ष्या से किस देश से हम एसपी सर से और जिला प्रशासन से यही उम्मीद लगा के रहते हैं। तो हमारे स्थानीय भैया हैं, तो हमारे घर के सदस्य हैं और लोग भी हैं, सब लोग आए हुए हैं। हम यही कहेंगे कि अपराधी बेलगाम होते जाए, घर से निकलने के बाद सब लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, वापस अपने परिवार के बीच में आएंगे। इसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सर लगे हुए हैं अपराधियों को चिन्हित करके, जो मेरा धनंजय कुमार के नाम है। वार्ड अध्यक्ष भाई समान शिवाजी तिवारी की हत्या रात में अपराधियों द्वारा कर दी गई और प्रशासन ने आश्वासन दिया है। आश्वासन क्या, प्रशासन तो लगा शिथिलता में स्थिति में है। प्रशासन को दूर से चाहिए बालू या शराब, इसी के पीछे दौड़ रही है प्रशासन। अपराधी कहाँ है? अपराधी सबको जाना है, अपराधी जहाँ है वहाँ छापा मारने के पकड़ने की आवश्यकता है। और अभी हम लोग बात किया, अभी सम्राट चौधरी जी से बात हुई है। सम्राट चौधरी जी कहा है अभी हम प्रशासन से बात कर रहे हैं और जहाँ तक होगा हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक, घर के बगल में जो शिवम तिवारी हैं ओवरब्रिज में, क्या मान रहे हैं उसको? ये तो बहुत मैंने दुखद घटना है कि हत्या हुई ओवरब्रिज में, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर, और अपराधी का इतना मनोबल बढ़ा कि वो हत्या करके और दरवाजा हुआ और इधर से गुजरा, 10:15 में रात में हत्या हुई। और इस परिवार के लिए सबसे दुखद मैंने ये घटना है। क्या मानते हैं ऐसे में इधर जो आपराधिक घटनाएं हैं लगातार जिस तरह बिहार में देखा जा रहा है कि कई जगहों पे आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, रात पटना ऐसे राजधानी जगहों पे जो है कि इस तरह की सरेआम गोली चला दिया जा रहा है, ऐसे में सिवान भी अछूता नहीं है? देखिए आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि मन प्रशासन इतना एक्टिव है कि बहुत जल्दी अपराध घटना का उद्भेदन कर दे रहा है। तो इसके लिए प्रशासन में बहुत धन्यवाद है। और साहब इंस्पेक्टर साहब एडीपीओ साहब रात भर जगे रहे, हम भी रात में थे, लेकिन ये प्रशासन का जो ड्यूटी होता है रात, हमको पता चला कि कितना इन लोग का दुखद ड्यूटी होता है। 24 घंटा में हम लोग मैंने रात में जगे, मैंने सुबह 6 बजे जाकर हम सो गए 1 घंटे के, और हम देख रहे हैं कि इंस्पेक्टर साहब अभी तक खड़े हैं और यहाँ पे हैं। प्रशासन का मदद करना चाहिए, प्रशासन आपके दुख सुख में हमेशा खड़ा रह रहा है। मैंने रात को हत्या तो हो गई, लेकिन उसका उद्भेदन करने के लिए इंस्पेक्टर साहब रात भर, हमको लगता है कि 10 किलोमीटर पैदल चले हैं, कभी ओवरब्रिज की तरफ कभी कहीं और। तो इस प्रशासन को धन्यवाद है कि हर मामले को उद्भेदन करें, और हमको पूरा विश्वास है तुरंत इसको उद्भेदन करेंगे इंस्पेक्टर साहब।